नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप प्लांट देख रहे होंगे, नन्हे नन्हे प्लांट है ये, इनको मैंने कटिंग से बनाई थी। ये प्लांट आइसलैंड फाइकस का है, जो जिसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है, और इसको मैं कटिंग से लगा दी थी, उसी में से कटिंग काट के लगा दी थी, तो ये साढ़े के साढ़ा ग्रो हो गया था, इसमें रूट आ गई हैं। साथ ही आपको इसमें लगेगा कि इसमें मैंने कलर लगा के क्यों रखे हुए हैं, तो मैंने इसमें कलर लगाए नहीं है। ये कलर तो इसके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है कहिए। ये पेंटिंग हो रही थी, उसी में का कलर इसमें गिर गया हुआ था, और इसको जो मैं छोटे से पॉट में लगाई थी, वो अचानक आज बच्चे के हाथ से छूट कर गिर गया, और ये सारे के सारे जो मेरे प्लांट जो लगे हुए थे वो बाहर आ गए। तो उसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह से ये जो आइसलैंड फाइकस है, इसको आप कितनी आसानी से कटिंग लगा दे सकते हो, और इस तरह से आपका प्लांट तैयार हो जा सकता है। जिसको खरीदने जाओ तो मार्केट में ढेरों पैसे हमारे लग जाते हैं, आसानी से उसको हम अपने घर में कटिंग से प्लांट बना ले सकते हैं। ये इसकी रूट देखिए, इस तरह से इसकी रूट बनी हुई है। ये गिर जाने के कारण नीचे पूरा का पूरा बर्बाद हो गया गया था, तो मैंने इसे सोचा कि चलो मैं इसको यहाँ लगा लेती हूँ। इसमें आपको लग रहे होंगे कि कुछ व्हाइट कलर के हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी जो व्हाइट वाली, जो नई वाली रूट होती है, वो थोड़ी ज़्यादा व्हाइट होती है, बाद में इसकी कलर चेंज होती है। हाँ, ये ज़रूर गलत है, इसमें कुछ कलर्स लग गए हैं, और इतने नन्हे से प्लांट के साथ अगर इतने सारे पत्ते इसको हटा देती हूँ तो ये प्लांट मुश्किल में पड़ जाएगा, और ख़ास करके अभी तो ये मुश्किल में पड़ ही गया है, जबकि इसका पूरा गमला ही टूट गया है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, और बाद में इसके जो रंग लगे हुए हैं, कलर लगे हुए हैं, उन पत्तों को मैं हटा दूँगी। ये दूसरी वाली है, ये और थोड़ी ज़्यादा ही नन्ही सी है, और ये तीसरी है। तो इसको लगाने, इसमें देखो इसके स्टेम में भी लगे हुए हैं, जिसको हटाना अभी मुश्किल है। मैं उसी को निकलवा रही थी अंदर की तरफ से देखने के लिए, तब तक तो गमला ही इसका टूट गया, और इस तरह की इसकी हालत हो गई। तो खैर, इसको पहले लगाते हैं। लगाने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसको लगाने में आपको, चूँकि इसकी रूट टूट न जाए, तो मैं इसको दूसरे तरीके से इसको लगा कर आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप भी इस तरह, अगर आपको शक हो कि कहीं रूट टूट न जाए, तो आप पहले जो सॉइल है, मेरे खेत की सॉइल है, और इसमें सैंड मिले हुए हैं, थोड़े से इसमें काउ डंग मिले हुए हैं, बस इसी वाले सॉइल में मैं इसको लगा दूंगी। और ऐसे इसको लगाने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें बुलबुले आ रहे हैं, बुलबुले पहचान हैं कि एयर पॉकेट्स इसमें जो थे बने हुए, वो समाप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से रखने के बाद आप इसमें पानी धीरे धीरे करके निकल जाएगा सब, ड्रेनेज इसकी अच्छी है। साथ ही इसमें मैंने, अब इसको आपको लगाने में करना ऐसा है कि आप पहले होल बना लो, ताकि इसके रूट टूटे नहीं। इसके लिए पहले इसमें इस तरह से होल बना लेते हैं। तीन प्लांट है मेरे पास, तीनों को मैं एक ही साथ लगाने वाली हूँ, तो तीन होल यहाँ ऐसे करके बना लेती हूँ। इसमें केवल मैंने किया ये है कि वाटर मैंने पहले डाल दी है, ताकि इसके रूट पर इसके असर ना आए। तो इसको ऐसे करने के बाद अब इसमें एक एक को लेना है, और इसको रूट को बचाते हुए, इसके अंदर के तरफ इसके रूट को करते हुए, देखो इसके रूट यहाँ हैं, इस तरह से इसको इसमें लगा देने। ये अभी थोड़े ज़्यादा गीले हैं, इसलिए अभी रुकने के लिए भी तैयार नहीं है, थोड़े से और जब इसके पानी सूख जाएंगे तब ये, एक्चुअली इसमें पत्ते बहुत हैं, काफ़ी इसमें लिप्स हैं, तो प्लांट भारी हो गया है, और इस हालत में इसको रुकने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अब ये दूसरे वाले को इसमें ऐसे करके लगा देती हूँ,
रूट्स जो है इसके, और ये फाइकस को आप बहुत ही आसानी से लगा ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। छोटी सी छोटी कटिंग आपने देख ली होगी कि छोटी से छोटी कटिंग भी, तीन इंच की कटिंग मैंने ये वाली लगाई थी, ये वो भी ग्रो कर गई है। एक गमले में ही मैंने तीनों को लगाए हुए थे और तीनों के तीनों ग्रो कर गए। अब संयोग से ये सब गमला टूटने के कारण मुझे दोबारे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ है कि मैं आपसे ये शेयर कर ले रही हूँ कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो आप भी इसको इसी तरह से पहले से आप क्या करिए, इसको पानी को डाल लीजिए सॉयल में, सॉयल गीली हो जाएगी और इसके बाद इसमें आप प्लांट को लगाइए ताकि रूट इसके ख़राब ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये कटिंग कैसे बनी थी, कटिंग से प्लांट कैसे बन गए थे फाइकस के, और अगर कोई इस तरह की बात होती है तो आपको जो प्लांट लगाने हैं, रूट बचाने हैं, तो पहले पानी से आप सॉइल को गीला कर लो और इसके बाद उसमें प्लांट को लगा दो। तो इसी को शेयर करते हुए मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार है।